तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? केम छो बदा? मजा माने तो बदा ने गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बजे है 10। और देखो नीलम कर रही है कचरा पोता। नीलम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो लाइफ में पहली बार नीलम बोल रही है गुड मॉर्निंग हमें, क्योंकि कैमरा देख के तो भाग जा दिए। और मम्मी जी तो आज खेत में नहीं गए। डिंटी तो मम्मी नए नए ये शाकभाजी के पौधे बो रहे हैं। और इसका फायदा ये होता है कि गांव में क्या होता है, सभी लोग अपने घर में थोड़ी बहुत ये शाकभाजी के थोड़े बहुत पौधे लगाते हैं। ये जो रेट है ना शाकभाजी का, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। और ऐसे गांव में तो ऐसे पानी वेस्ट होता ही रहता है, तो थोड़े बहुत पौधे लगा दे तो क्या होता है कि ये पैसे थोड़े कम वेस्ट हो। और इसीलिए गांव में रहना आसान है, जितना ज़्यादा खर्चा बाज़ार में आता है ना उतना ज़्यादा यहाँ गांव में आता नहीं है, तो उसका मेन रीज़न यही है। और हम यहाँ आए हैं टमाटर लेने के लिए। अगर जी मम्मी अब अंदर जाने के लिए रास्ता एक ही है। और जो हम टमाटे अपनी बाड़ी में से लाए हैं ना, वो नीलम काट के बना रही है बढ़िया वाली डिश। अली हाँ थे थी ना, ये तो शिव दे जाए। और अभी हो गए हैं दोपहर के 11, और फिर भी मम्मी जी कर रहे हैं यहाँ निंदन साफ। देखो, और इसकी वजह यह है कि यहाँ साफ रहता है, तो क्या है कि ये जो घना जो कचरा वो सब कुछ है ना, तो यहाँ मम्मी जी कर देंगे साफ, तो यहाँ आएगा नहीं। हमने तो बोला कि मम्मी कब आता है ये साफ, तो हम भी वीडियो में शूट कर दें, बाय चांस हमारा ये ब्लॉग बाय चांस वायरल हो जाए, पर उसका तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता ना। तो देखो पूरे पूरा साफ कर दिया है। नींदन 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 सारे का सारा, क्या बात है। देखो इसको जब से धूप लगने लगी है ना, तो इतना हो रहा है ना फास्ट बड़ा, कि लगता है कि 6 महीने में इसके इस खटुमड़ी के फल आने स्टार्ट हो जाएगी। और मम्मी बोल रहे थे कि इसको बांधना पड़ेगा, तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, थोड़ी देर ब्लॉग स्टॉप करेंगे। दोहरी मम्मी हाँ चो आए तो दोरी लाते हैं। ये रही दोरी, इसको बांधना है। चला खुली कर दे। क्या कि ये डालियाँ झुक गई है ना, तो बांध देंगे, तो वो वाली जो सेतु रही ना उस मुताबिक हम सीधी रहेगी। तो क्या है कि नीचे ज़्यादा कचरा होगा नहीं, और फटाक से ऊपर रहेगी तो थोड़ा बहुत जो छाया है ना वो बढ़िया वाला देगी। और यहाँ बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो ये साफ वो सब कुछ आएगा नहीं ना, तो ये गर्मी वाले मौसम में आसानी रहेगी। केला चढ़ोगे वो ना बोलो कोई। अभी हम चढ़ेंगे इसके ऊपर, देखते क्या होता है। ना ना देखते हैं क्या होता है। और के मेरा तो हिलता ही जा रहा है, हिलता ही जा रहा है। हाँ डाड़ी भूल ले आई बोले ना। देखो यहाँ खींच के रख दिया, तो मम्मी अब खींचेगी ना तो जाएगी नहीं। इस पे अब बांध देते हैं। तो देखो कितनी ऊपर बांध दिए देखो। और अब ये डालिया काट देंगे,
तो क्या है कि नीचे अब रहेंगी नहीं, अब ये सारा खुला खुला हो गया है। देखो ऐसा हो और बाद में हम यहाँ बैठेंगे ना तो ये सांप वो सब कुछ आएंगे नहीं, और कहीं आ गए और काट दिया ना तो लेने के देने हो जाएंगे, इसलिए साफ सफाई करिए। और ये देखो ये सागबाजी की जो वाड़ी है ना, अब कुछ चमक रही है, वरना यहाँ तो ऐसा दिख रहा था कि सारा कचरा ही कचरा है। और अब ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, तो हमने बोला था ना कि काबर चकली उन सभी को लिए पानी डालना, वो सब कुछ सेटअप करना है। तो देखो ये हमने उस वाले साल में ये बांधा था, तो ये पिया वो सब कुछ ये नीचे ला देंगे और इसके बाद ही इसको फिर से वापस यहाँ सेटअप करेंगे। पिया नीचे उतार ले, इन दोनों को उतार देंगे। चप्पू जो ना लिए फटले कपड़े वाटोस बोड़ी दे, इसको नीचे उतार देंगे और बाद में ये दूरी वो सब कुछ ही ना इसे फिर से बांधेंगे और यहाँ सीधा करके लटका देंगे। तो डेली पर से फिर तो ये गर्मी वाले मौसम में रूटीन हो जाएगा इसको पानी डालने का, और सब कुछ दाने डालेंगे और पानी डालेंगे डेली, और थोड़ा बहुत ये काम करेंगे ना तो ये चकली और कबूतर वो सबको थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाएगी। क्योंकि गर्मी वाले मौसम में आपको दिखा देता हूँ ये हमारी ये जो कुंडी है ना उसमें देखो थोड़ा भी पानी नहीं दिखेगा, तो सोच सकते हो इसमें थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, एक दो लोग पियेंगे ना तो भी बहुत है, हमारा जो काम है ना वो फाइनल सक्सेस हो जाएगा। देखो एक तो निकाल दिया और ये दूसरा भी निकाल देंगे पिया, ये दोनों निकाल दिए, और एक दो हम यहाँ गांव में मिलते हैं ना वहाँ से ले आएंगे और सभी को यहाँ लटकाएंगे वहाँ लटकाएंगे, और डेली रूटीन जिसको पानी डालेंगे दाने डालेंगे संभाल के, गिरेगी तो पैर हाथ पैर टूट जाएगा, सेवा तो दूर की बात ही, खुद की सेवा करनी पड़ेगी। देखो इसको साफ कर देंगे, क्या ने धोई नाक दी बीजो बे कुंडो मुँह लाऊ गम्मो थी। और आज तो मम्मी जी के नहीं है खेत में, यही से साफ सफाई भी हो गई और इनका खाना भी हो गया और इन सभी को तो ठीक है। देखो अपना छुटकू दिखा रही, वाह कहाँ बांध रहा है, देखो ले 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 ले, देखो अपनी छुटकू भाई क्या खा रहे का खा रहे का खा रहे क्या रे, हमारे ऊपर तो सारे गुस्से ही रहते। देखो खा ले भाई वरना ले लेंगे, और इसे दो के सुखा दिया है पिया ने, और यह गाँव में से दो और ले आएंगे और इसके बाद ही इसको बांधेंगे, वहाँ बांधेंगे वहाँ बांधेंगे और वहाँ बांधेंगे। तो मम्मी जी बैठ गए काम करने के लिए, देखो गौशाला में दूध निकाल रहे हैं और हम यहाँ दोपहर के बाद आराम आराम करने के बाद आए हैं यहाँ गौशाला में। और देखो ये है रोटी बनाते हैं ना उसमें से बनाया हुआ है, ये गए साल में बनाया था और उसको पिया ने जो उतारा ना वहाँ से उतार के इसे क्या किया था कि चारों ओर छेद करके या दोरी बांध दी थी और लटका दिया था। इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं और दाने भी डाल सकते हैं, तो दोनों काम में आता है। तो इसे क्या करेंगे, इसमें पानी ही डालेंगे, दाने ही डालेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं रहेगा, पानी उसमें डालेंगे जो हम गाँव में से लाएँगे ना तो उसमें डालेंगे, और जहाँ मिलते हैं ना वो चाचा है ना वो बढ़िया बनाते हैं पानी डालने का और ये सभी, तो देखते वहाँ जाते और लाएंगे वहाँ से। तो इन्हें तो अभी रहने देंगे क्योंकि गए थे लेने के लिए पर मिला नहीं था तो लाए नहीं है, तो देखते वापस कल जाएंगे और लाएंगे कैसा रहता है। देखो तो मम्मी ने दूध निकाल दिया है और दूध को ऐसे साफ करके ही ले जाना पड़ता है, पता क्या है कि हमारा जो बिगड़ा हुआ दूध होगा ना तो सारे सारा डेयरी में जितना भी गाँव का दूध आएगा ना वो सारा बिगड़ जाता है, तो ऐसे साफ करके ही डालते हैं, गहनी से उसे गाड़ देंगे और उसके बाद ही ले जाएंगे।
अभी हो गई है काफ़ी शाम और देखो हम अभी देख रहे हैं आईपीएल। और अब तो आईपीएल स्टार्ट हो गई है तो हमारा डेली रूटीन हो गया है कि जैसे ही शाम होगी 8 बजेगी तो डेली आईपीएल देखने की और मज़े लूटने की। तो चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कैसा लगा वो कमेंट कर देना। आज कल पाँच मलसूँ।